मैं आप लोगों का आभारी हूं। आप भाई जनक सिंह जी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भरोसा करते हुए इतनी बड़ी जनसंख्या आप यहां आए हैं। मेरा पूरा भरोसा है, जैसे रवि किशन जी ने कहा, 3 तारीख को कमल की चिन्ह पे बटन दबा के आप एनडीए के हाथ को मजबूत करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद करेंगे। मित्रों, मैं 2-3 बात पूछना चाहता हूं। बिहार में विकास चाहिए या नहीं चाहिए? बिहार में नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में माताओं बहनों की इज्जत बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत बात सीधी है। चुनाव में बहुत लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी दिलवा देंगे। अगर आपकी हिम्मत है, मेरे नेता नरेंद्र मोदी है, मेरे नेता नीतीश कुमार है, हम ऐलानिया तरीके से उनकी आदर्श पे, उनकी नीतियों पे हमने काम किया है। इस कोरोना काल में क्योंकि खाते में 1500 रूपये आई थी कि नहीं आई थी बैंक खाता में? चावल मिले कि नहीं मिले? गेहूं मिले कि नहीं मिले? परिवार को 1 किलो दाल मिले कि नहीं मिले? जब हिसाब से बिहार के नौजवान, बिहार के नागरिक लौट के आए, बिहार के शासक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी चिंता किए कि नहीं किए? यह हमारी काम की लिस्ट है, यह हमारे काम की सर्टिफिकेट है। आज दूसरी ओर चुनाव में थोड़ा गर्मी आई नहीं थी, जो लोग बिहार में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, जो बिहार में जातीय तनाव खड़ा करना चाहते हैं, जो बिहार में अपनी परिवारवाद चलाना चाहते हैं, उनकी बोली क्या रही? कि हम एक वर्ग की छाती में चढ़ जाएंगे। मित्रों, ऐसे जंगल राज की युवराज लोगों को लाना है क्या? उनको यह जिम्मेदारी देना है क्या? और उनके एक सहयोगी है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार में सहयोगी श्री नीतीश कुमार है, श्री जितेंद्र मांझी है, श्री मुकेश सहनी है। यहाँ के जो महागठबंधन की दिल्ली वाले नेता, अभी अभी मैं उनकी एक खबर सुन रहा था टीवी में, टेलीफोन पे, वो कह रहे हैं जो हमारा बीच में सैनिक अभिनंदन कुमार को पकड़ लिया, मोदी जी ने हुंकार दिया कि पाकिस्तान अगर अभिनंदन कुमार को आप नहीं लौटाओगे, पाकिस्तान के अंदर भारत की सेना घुस भारत गर्वित हुआ, भारत का इज्जत बढ़ी, भारत की जनता की इज्जत बढ़ी। अभिनंदन कुमार शासन में भारत को उठाया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता नहीं है, 130 करोड़ भारतीयों की सफलता है। आज पाकिस्तान भी हमारे सामने सर झुका के खड़ा रहता है। दूसरी ओर दिल्ली की जो पागल राजकुमार है, समझ रहना, अरे बिहार बहुत तो सजग राज्य है, समझदार को एक रवि भाई कह रहा था जंगल राज की युवराज, मैं कह रहा हूं दिल्ली में भी ऐसा एक युवराज है, नाम मत लो, छोड़ दो उसको, दिल्ली वाला युवराज कह रहा है अभिनंदन कुमार को पाकिस्तान लेके टेक किया, तो अब चले जाओ पाकिस्तान, अब वही रहा, अब भारत में क्यों हो? मित्रों, बिहार के चुनाव का पहला चरण पिछले काल समाप्त हो गया। मैं आज
इस जनसभा में बिहार की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस उत्साह से, जिस उमंग से कल बिहार की जनता ने मतदान किया है, ये भारत की प्रजातंत्र के प्रति अटूट विश्वास है, बिहार की विश्वास है। महागठबंधन में किनके साथ महागठबंधन हुई? जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग बंदूक के नाम ताकत पे, जो नक्सली, जो उग्रवादी समाज में जातीय तनाव खड़ा करना चाहते हैं, नरसंहार करना चाहते हैं, ऐसे आज महागठबंधन के हिस्सेदार बने हैं। क्या प्रजातंत्र को बिहार में खत्म कर देना है? क्या प्रजातंत्र को बिहार में समाप्ति दे देना है? मित्रों, एक तरफ विकास, एक तरफ बिना, बिहार किसको छूनेगा? बिहार किसको छूनेगा? नरेंद्र मोदी पे भरोसा है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी को आप विश्वास करते कि नहीं करते? नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना है कि नहीं करना है? आपको नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी पे भरोसा है कि नहीं है? मित्रों, अगर भरोसा है, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, और मैं इस उत्साह को और इस बिहार की जज्बा को देखते हुए मेरा पूरा विश्वास है, 10 तारीख में बिहार में एक इंजन या डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। डबल या एक? डबल लगाए कि नहीं लगाए? दिल्ली से मोदी भेजेंगे, नीतीश कुमार पटना से छपरा और करण तरैया तक आपके पास पैसा पहुंचाएंगे। इसी आशीर्वाद के लिए, इसी के लिए आपको मैं निवेदन करने आया हूं, भाई रवि किशन निवेदन करने आए हैं, भाई जनक सिंह जी को आने वाले 3 तारीख को और पूरा बिहार में एनडीए के प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। इसी 2 शब्द कहने का आपने मौका दिया, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।